गौरव भाटिया जी, आपके पास आते हुए देखिए परिस्थितियां जो पूरे देश में बन रही हैं ऑक्सीजन की कमी को लेकर, ये परिस्थिति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अचानक फैले इस वायरस की वजह से संक्रमण इतना गहरा होता चला जा रहा है। आप बताइए इन अस्पतालों में इन मरीजों का क्या होगा गौरव भाटिया जी? अंजना जी, देखिए ये एक विकट परिस्थिति है और प्रधानमंत्री जी ने अभी देश को संबोधित किया और उन्होंने सबका हौसला बढ़ाते हुए एक बात कही कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार सब एकजुट होके कोविड की इस लड़ाई को लड़े और परास्त करें। और आपने क्योंकि सबसे पहले ऑक्सीजन का मुद्दा उठाया है तो मैं आपको जानकारी दे दूं जो मेरे सामने है और मेरे पास है। LNJP में जब हमारी ये चर्चा चल रही है 10 टन ऑक्सीजन सप्लाई किया गया है, आगे भी किया जाए। और इसके अलावा गंगाराम अस्पताल में भी 4500 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन सप्लाई किया गया है, आगे भी किया जाएगा। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई जिससे कल भी एक समाचार आ रहा था कि हर प्रदेश जहां कमी है वहां पे ऑक्सीजन पहुंचे वो पहुंचाया जा रहा है। और एक न्यूज रिपोर्ट दिखाई जा रही थी इसमें बताया गया किस तरह से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ने ऑक्सीजन पहुंचाया और 300 नागरिकों की जान उस वक्त तुरंत बची। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा और ये आरोप लगाने का समय नहीं है इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 4 दिन पहले तक अंजना जी कह रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड है, ऑक्सीजन है, शायद उनके आकलन में चूक हुई होगी। आज केंद्र सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबको सहयोग मिल रहा है, केंद्र सरकार का भी, और 12 ऐसे स्टेट हैं जिनको चिन्हित किया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बैठक करके एम्पावर्ड कमेटी बनाई और इन 12 जो प्रदेश हैं इनको जल्द से जल्द आज भी दिया जा रहा है, आगे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दिया जाएगा जिससे हर नागरिक की हम लोग जान बचा सके। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ कोई कमी हो तो कहें कि नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार ने क्या किया, ये भी उचित नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो हैं उनको भी साथ मिलकर चलना होगा। और आप भी जानती हैं स्वास्थ्य जो है संविधान में एक स्टेट सब्जेक्ट है। आज एक न्यूज आपके चैनल में आ रही थी, पुणे के एक अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई जो है की गई और उसके बाद वहां पे एकदम से ऑक्सीजन पूरी तरह से बर्बाद किया गया और करीब 20 लोगों की, जब मैं आ रहा था इस चर्चा पे, मौत हो गई। तो क्या लापरवाही इस समय पे ठीक है, किसकी जिम्मेदारी है? अगर केंद्र सरकार ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, इस वक्त ऑक्सीजन का नाम है जीवन, जीवन देने वाला ऑक्सीजन है, एक एक क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ये महत्वपूर्ण है, इसका जरा भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने नासिक का मुद्दा उठाया है, साथ ही सवाल है कि राज्य सरकारें कह रही हैं कि केंद्र की तरफ से आपूर्ति में कमी हो रही है, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना सुप्रिया जी कि सब रेड लाइट पे खड़े कह रहे थे अभी तो ग्रीन है, देखो अब रेड हो गया, अब ग्रीन हो गया। सवाल ये है कि सबने तैयारी क्या की थी, सबने क्या तैयारी की थी, क्या परिस्थिति? और महाराष्ट्र में तो पिछले एक महीने से ये हालात बन रहे थे ना सुप्रिया जी। मैं इन सब बातों का जवाब दूंगी और मैंने 4.25 मिनट भाजपा के प्रवक्ता को सुना। आज हम सब लोग एक मिनट के लिए अपनी आंख बंद करें और सोचें कि हमारा कोई परिजन, हमारे कोई परिवार का कोई मित्र, कोई संबंधी आईसीयू में ऑक्सीजन के सहारे अपना जीवन उसका चल रहा है और आपको खबर मिलती है कि अब अस्पताल के पास सिर्फ आधे घंटे का या 2 घंटे का या 60 मिनट का ऑक्सीजन रह गया है। आप पर क्या बीतेगी या मुझ पर क्या बीतेगी या इस पैनल में किसी पर भी क्या बीतेगी, इसका जवाब अगर मिल जाए तो मुझे लगता है ओछी राजनीति बंद हो जाएगी। आप सोचिए उन लोगों का, आपने कुछ अस्पतालों का नाम लिया था, उसमें आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी ऐड कर दीजिए, अपोलो, गंगाराम, सेंट स्टीफन्स, मणिपाल, मेयो लखनऊ, जहां पर बोल दिया गया पेशेंट्स को लेकर जाइए, हमारे पास सिर्फ 30 मिनट का ऑक्सीजन है, कोई बेड कहीं अवेलेबल नहीं है, लोग क्या कहां लेकर जाएंगे? तो जानते बूझते जीते जागते पेशेंट को मृत इंतजार करना ही अब शायद कुछ लोगों के पास एक ऑप्शन बचा है। एक बार सोचा जाए कि अगर हम उस जगह होते तो हमारे ऊपर इस समय क्या बीत रही होती।